हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके नवंबर माह के करंट अफेयर्स पर। देखिए, इस टॉपिक की वजह से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे संबंधित जो भी आपके करंट अफेयर्स वाले मटेरियल है उसे मैं ऑलरेडी मार्किंग करके उसके जो भी फोटोज है आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन ये क्या, हमारा एक सीरीज कंटिन्यू हो रहा है हर महीने का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला, तो इसलिए इस पर हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपको ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, लेकिन फिर भी एक इसे हाईलाइट के तौर पर हम एक क्विक रिवीजन की तरीके से इसे अभी कवर करेंगे। मैं जितनी भी चीज़ें लिखी है उसे थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्या है। जैसे देख रहे हैं कि बोर्ड में बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वो सभी को हमें कवर करना है, तो थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट होगा। बैठ करके आराम से एक स्टोरी की तरीके से सुनिएगा, और बोर्ड पर मैंने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी है ना, टू दी पॉइंट चीज़ें ही लिखी है। उसमें से आपको मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसमें से यदि आपको कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे अलग से लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है आपका स्थान। स्थान है फर्स्ट है आपका सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है और एक प्रशासनिक जिला भी है। अभी हाल ही में ये सेंटिनल द्वीप चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इस सेंटिनल द्वीप या सेंटिनल आइलैंड में निवास करने वाली जनजाति सेंटिनल जनजाति के द्वारा या इस सेंटिनल द्वीप में ही आपके एक अमेरिकी व्यक्ति जॉन एलन चाउ नामक अमेरिकी व्यक्ति की यहाँ पर हत्या कर दी गई। जॉन एलन चाउ जो कि यहाँ पर आपका ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गया हुआ था, तो उस व्यक्ति की इस स्थान पर सेंटिनल जनजाति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, जो सेंटिनल द्वीप है ये भारत सरकार द्वारा एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन पिछले साल इस भारत सरकार ने इस क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के जाने का, यानी आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं लेकिन इसमें सरकारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी, ऐसा एक आदेश जारी कर दिया था। जिसके बाद इस क्षेत्र में आपका जॉन एलन चाउ गया था ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इस क्षेत्र के जनजातियों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ये जनजाति, का इतिहास काफी पुराना है। जब 2004 में आपका सुनामी भी आया था तो उस सुनामी के समय भी इस जनजाति ने बिना किसी बाहरी सहायता के अपने आप को उतने बड़े सुनामी से इन्होंने बचा लिया। अभी 2011 की जब जनगणना के आंकड़े सामने आए थे तो इस जो सेंटिनल द्वीप है उसमें रहने वाली ये जो सेंटिनल जनजाति है उनकी संख्या मात्र 15 थी, जिसमें से 12 पुरुष और 3 महिलाएं थी। तो ये जो सेंटिनल द्वीप है इसका नाम याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है तथा उसका एक प्रशासनिक जिला भी है। सेंटिनल द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी अन्य जनजाति निवास करती है तो उनका भी नाम याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में एक आपका ये सेंटिनल जनजाति, दूसरा ओंजे, तीसरा जारवा, चौथा जावर, चारों का नाम याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, ओंजे, जारवा, जावर और आपका ये सेंटिनल जनजातियां, ठीक। काफ़ी क्रूर है ये जनजाति, इसका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा भी और अन्य जनजाति जैसे अंडमारी, निकोबारी, उसका नाम देखते से ही आप समझ जाएंगे, लेकिन जो अन्य जनजातियों के नाम बताया उसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम। अभी हाल ही में भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम का दर्जा दिया गया है आपका कुलगोंड। कुलगोंड जो कि आपका कर्नाटक का एक ग्राम है। अंत्योदय योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था, शौचालय का निर्माण, जो पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, एक जो कंप्लीट एक गाँव को जिस तरीके से एक आदर्श ग्राम के तौर पर रहना चाहिए अंत्योदय योजना के तहत, तो उस योजना के तहत ये आपका कुलगोंड नामक जो ग्राम है आपका कर्नाटक का, उसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका निर्यात उत्कृष्टता टैग। निर्यात उत्कृष्टता टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में भदोही, उत्तर प्रदेश के भदोही को। भदोही फेमस क्यों है, आपका कालीन निर्माण के लिए, कालीन या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दरी या चटाई जो जमीन पर बिछाया जाता है, तो उस कालीन निर्माण, यहाँ के जो बुनकर है उन बुनकरों के द्वारा जो हाथ से बुनकर बनाया गया कालीन, उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए इसे एक निर्यात उत्कृष्टता टैग प्रदान किया गया है। जिसके बाद जो ये बुनकर है, कालीन निर्माण वाले जो बुनकर है, उन बुनकरों को अत्याधुनिक मशीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, जो इनके द्वारा बनाए गए जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मार्केट भी प्रदान किया जाएगा। तो निर्यातक टैग किसे मिला है अभी, आपका भदोही उत्तर प्रदेश को, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका करतारपुर गुरुद्वारा। करतारपुर गुरुद्वारा जो कि स्थित है आपका
नारोवाल जिला पाकिस्तान में, नारोवाल जिला पाकिस्तान में यह गुरुद्वारा मौजूद है। अभी हाल ही में आपका जो सिख समुदाय के जो प्रमुख है आपका गुरु नानक देव, उनका जो प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उनके जन्म जयंती के अवसर पर अभी हाल ही में 550वां उनका जन्म जयंती मनाया गया, जिसके इस जन्म जयंती के अवसर पर भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, देखिए जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो जो पंजाब है, पंजाब का आधा हिस्सा गया था आपका पाकिस्तान में और आधा हिस्सा आया था हमारे भारत में। तो जो इसी पंजाब वाला जो क्षेत्र है, उस पंजाब वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तान का जो पंजाब है, उसके नारोवाल जिले में स्थित है आपका ये करतारपुर गुरुद्वारा। करतारपुर गुरुद्वारा कहां स्थित है? नारोवाल जिला पाकिस्तान में। ये सिख समुदाय का एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपके गुरु नानक देव थे, गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष इसी करतारपुर गुरुद्वारा में बिताया था। तो उनकी 550वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत और पाकिस्तान की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस करतारपुर गुरुद्वारा का एक गलियारा विकसित किया जा रहा है। लगभग भारत में पंजाब के सीमा से 4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान पे ये मौजूद है। तो याद रखिएगा, करतारपुर गुरुद्वारा कहां मौजूद है? नारोवाल जिला पाकिस्तान। नेक्स्ट है आपका वाटर हैंडलूम, वाटर हैंडलूम हार्ट, वाटर हैंडलूम हार्ट ये विकसित किया जा रहा है आपका लोकटक झील मणिपुर में। ये वाटर हैंडलूम हार्ट है क्या? देखिए, जो क्षेत्रीय स्तर के जो बुनकर है आपके मणिपुर में, तो उनके जो प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्रदान करने के उद्देश्य से, उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को है ना एक बेटर बनाने की दृष्टि से ये आपका वाटर हैंडलूम हार्ट विकसित किया जा रहा है। क्या है कि जो ये हार्ट क्या है, लोकटक झील पे एक तैरता हुआ एक मार्केट बनाया गया है ताकि लोग पर्यटन के साथ साथ इनके प्रोडक्ट को भी परचेस कर सके। तो वाटर हैंडलूम हार्ट कहां पर है? लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट, देश का 25वां उच्च न्यायालय, देश का 25वां उच्च न्यायालय बनाया जा रहा है आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है आपका तेलंगाना। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी आपकी हैदराबाद, तो जो उसका उच्च न्यायालय था वो भी मौजूद था आपका हैदराबाद में। लेकिन जब आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना तो तेलंगाना में चले गए आपका हैदराबाद। तो अभी विभाजन के पश्चात भी आंध्र प्रदेश को अपने सारे के सारे न्यायिक कार्यों के लिए कहीं ना कहीं उसको हैदराबाद के उच्च न्यायालय पर उसे डिपेंड रहना पड़ता था। इसलिए हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने देश के 25वें उच्च न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो कि आपका बन रहा है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो देश का 25वां उच्च न्यायालय कहां बन रहा है आपका? अमरावती आंध्र प्रदेश में। देखिए, ये जो अमरावती में जो बन रहा है, इसके साथ साथ एक ये भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए देश का 25वां उच्च न्यायालय बन रहा है तो क्या है, इतने समय से, काफ़ी समय से ये हैदराबाद के ऊपर डिपेंडेंट था, तो इस कारण इसके बहुत सारे न्यायिक कार्य पेंडिंग बचे हुए हैं। तो इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत का पहला न्यायिक शहर स्थापित किया जा रहा है अमरावती में। भारत का पहला न्यायिक शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अमरावती में। यानी जितनी भी पेंडिंग आपके केसेस पड़े हुए हैं उसके त्वरित निराकरण के लिए उन्हें एक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मीन्स ऑनलाइन उसके निपटारा के लिए एक आपका न्यायिक शहर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है अमरावती को। ठीक, तो दोनों से याद रखिएगा। देखिए, क्योंकि काफी समय से ये डिपेंडेड है आपके हैदराबाद उच्च हाईकोर्ट के ऊपर, तो इसीलिए अब उसके जितने भी उसे पेंडिंग केस बचे हुए तो उसका त्वरित निराकरण के लिए एक न्यायिक शहर, भारत का पहला न्यायिक शहर स्थापित किया गया है आपके इसी अमरावती में। ठीक, अभी तो फिलहाल ये इसे मंजूरी मिली है, ये जो आपका अमरावती हाईकोर्ट है ये अपना कामकाज संभालेगा 1 जनवरी 2019 से। ठीक, नेक्स्ट, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो कि स्थापित किया जा रहा है 420 करोड़ की लागत से विजयनगरम जिला आंध्र प्रदेश में। विजयनगरम जिला आंध्र प्रदेश में आपका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है लगभग 420 करोड़ की लागत से। लेकिन ये देश का पहला केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय नहीं है, देश का पहला केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय मौजूद है आपका मध्य प्रदेश, अमरकंटक मध्य प्रदेश में देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मौजूद है, जो कि लगभग 2008 से संचालित है। ठीक, लेकिन ये अभी हाल ही में इसे मंजूरी दी गई है, तो इसे ये मत समझिएगा कि ये देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के नाम से। नेक्स्ट, देश का पहला हाथी अस्पताल बनाया गया है आपका चुरमुरा ग्राम मथुरा में। आपको हाथियों के संरक्षण के उद्देश्य से और हाथियों को समर्पित एक अस्पताल खोला गया है, जिसमें आपका एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनिक, आपका जो सोनोग्राफी, ये सारी फैसिलिटी प्रदान की जाएंगे। देखिए, देश में बहुत सारे आपके पशु से संबंधित चिकित्सालय मौजूद है, लेकिन ये जो चिकित्सालय है ये पूर्णतः हाथियों को समर्पित है। तो याद रखिएगा, देश में हाथियों को समर्पित पहला चिकित्सालय कहां खोला गया है? चुरमुरा ग्राम मथुरा में।
नेक्स्ट, वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा। वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा जो आपका उड़ीसा का जो झारसुगुड़ा हवाई अड्डा था, उस हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके अब वीर सुरेंद्र साय हवाई अड्डा का नाम रख दिया गया है। जो वीर सुरेंद्र साय है, आप इसका नाम हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ में जो संबलपुर का विद्रोह हुआ था, यानी आपको 1905 से पहले संबलपुर हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, जो 1905 के बाद आपका चले गया उड़ीसा में, तो ये संबलपुर के विद्रोह से संबंधित थे कौन, वीर सुरेंद्र साय, तो उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है, ये तो हो गया। विश्व का प्राचीनतम, देखिए तो नीचे के दो है वो थोड़ा इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उसे देखिए। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोत, ज्ञात पोत, पोत मतलब एक शिप, जहाज। ठीक, विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात पोत जो भग्न अवस्था में पाया गया, यानी खंडित अवस्था में पाया गया है, आपका काला सागर बुल्गेरिया, बुल्गेरिया राष्ट्र के काला सागर के तलहटी पे आपका ये एक विश्व का प्राचीनतम ज्ञात पोत पाया गया है। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी, ऐसे अलग अलग जगह की सभ्यता थी, तो उसमें हमें क्या क्या मिले हैं, प्राचीन स्थान मिले हैं, धान की भूसी मिले हैं, यहाँ तक कि बंदरगाह भी मिले हैं, बंदरगाह होने के प्रमाण मिले हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी उसके अवशेष नहीं मिले थे। तो ये जो है एक आपको सही सलामत अवस्था में, यानी सॉरी भग्न अवस्था में, खंडित अवस्था में आपका एक ज्ञात पोत प्राप्त हुआ है काला सागर की तलहटी पे, आपके इंग्लैंड और बुल्गेरिया के शोधकर्ताओं द्वारा बुल्गेरिया के तट पर आपका काला सागर में की तलहटी में आपका एक ज्ञात पोत प्राप्त हुआ है। ये पोत आपका 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2200 वर्ष पुराना यह जहाज है। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, ये जो जहाज है इसका यदि जो पुरातात्विक इसके साक्ष्य कलेक्ट किए गए तो इसे यह मालूम चला कि यह यूनान का एक व्यापारिक जहाज था। तो इसे याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम ज्ञात पोत, भग्न अवस्था में ज्ञात पोत कहां से प्राप्त हुआ, काला सागर बुल्गेरिया से। सितवे बंदरगाह, सितवे बंदरगाह ये मौजूद है आपका म्यांमार में, म्यांमार में मौजूद ये सितवे बंदरगाह, जिसके साथ अभी हाल ही में म्यांमार सरकार और भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इस सितवे बंदरगाह का संचालन, देखरेख तथा रखरखाव भारत सरकार द्वारा PPP मॉडल, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा एक निजी कंपनी करेगी। तो याद रखिएगा, सितवे बंदरगाह अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कोई बंदरगाह भारत सरकार के अंडर में आता है तो उससे अक्सर प्रश्न व्यापम उठाता है, PSC तो नहीं लेकिन व्यापम अक्सर उठाता है, तो सितवे बंदरगाह कहां मौजूद है पूछा जाए तो म्यांमार में, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए युद्धाभ्यास, देखिए जो भी युद्धाभ्यास है उसका नाम रटिएगा मत, मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद करना है। देखिए सिम्बेक्स, सिम्बेक्स देखिए इसी में ये जो युद्धाभ्यास है ये किन राष्ट्रों के मध्य हो रहा है, इसका कोड यहीं छुपा हुआ है। सिम्बेक्स करके यदि आपसे कभी भी प्रश्न पूछता है, कोई भी युद्धाभ्यास का आपसे कभी भी प्रश्न पूछता है, तो उसका हिंदी वाला सेक्शन में क्वेश्चन मत पढ़िएगा, हमेशा उसका इंग्लिश वाला सेक्शन उठाइएगा। देखिए यदि हम सिम्बेक्स को देखेंगे तो आपका हिंदी में ऐसे सिम्बेक्स लिखा हुआ दिखता है, लेकिन इससे आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा, लेकिन यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश सेक्शन में ऐसा लिखा रहता है। देखिए एस से सिंगापुर, आई से इंडिया मिलिट्री बेस एक्सरसाइज, इसका ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, देखिए इसी में इसका कोड छुपा रहता है या इसी में इसका आंसर छुपा रहता है, इसलिए ये जो भी युद्धाभ्यास होते हैं उसके इंग्लिश वाले सेक्शन में उसका प्रश्न पढ़ा कीजिए। तो देखिए क्या है सिम्बेक्स, SIMBEX, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया मिलिट्री बेस एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के मध्य ये सिम्बेक्स युद्धाभ्यास हो रहा है जो कि अंडमान द्वीप समूह में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट ये क्या है इप्सर, इप्सर युद्धाभ्यास, देखिए इप्सर, आई से इंडिया, बी से ब्राजील, एस ए से साउथ अफ्रीका, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका, इसकी नौसेना के मध्य यह युद्धाभ्यास हो रहा है इप्सर युद्धाभ्यास। ये जो युद्धाभ्यास है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए सारे कोड उसके जो भी युद्धाभ्यास वाले जो बने हुए हैं आपके इंग्लिश में कैरेक्टर उसी में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। इंदिरा, ये जो इंदिरा युद्धाभ्यास है देखिए IND मतलब इंडिया, RA मतलब रशिया, तो ये जो इंदिरा युद्धाभ्यास है, इंदिरा अब युद्धाभ्यास हो रहा है आपका भारत और रशिया के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है MP में।
नेक्स्ट है आपका समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य, भारत और इंडोनेशिया के मध्य आपका होने वाला युद्धाभ्यास है। अगला है आपका वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो कि भारत और यूएसए मींस अमेरिका के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन हो रहा है आपका जयपुर में। तो ये सारे युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निधन। देखिए टी एस कनका जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये टी एस कनका है कौन? टी एस कनका एशिया महाद्वीप की पहली तथा पूरे के पूरे विश्व की तीसरी न्यूरोसर्जर थी। एशिया महाद्वीप की पहली तथा पूरे के पूरे विश्व की यह तीसरी न्यूरोसर्जर थी। न्यूरोसर्जर मतलब मांसपेशियों से संबंधित सर्जरी, और जो आपका दिमाग से संबंधित जो भी आपके ये चिकित्सकीय क्षेत्र में जो सर्जरी किए जाते हैं तो उससे संबंधित होता है ये। तो जो टी एस कनका एशिया महाद्वीप की पहली तथा विश्व की तीसरी ऐसी महिला थी जिसे न्यूरोसर्जर में डिग्री प्राप्त थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट इमरत खान जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है, जो कि इटावा घराने के हैं, जो सितार तथा सुरबहार नामक जो वाद्य यंत्र है इसमें ये पारंगत थे। तो हिंदुस्तानी गायन शैली से ये संबंधित है, इटावा घराने से है, सितार और सुरबहार भी एक प्रकार का सितार है जो कि बांस से बना होता है। ठीक, तो ये दोनों वाद्य यंत्र में ये पारंगत थे। नेक्स्ट देखिए स्टैनली ये जो है ये अमेरिकी जो एक कॉमिक्स थी मार्वल, अमेरिकी कॉमिक्स मार्वल के ये आपके राइटर भी थे और इसके एडिटर चीफ भी थे। तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, ये थोड़ा क्या है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। इनकी जो कॉमिक्स के जो कैरेक्टर है, सबसे पहले इन्होंने द फैंटेस्टिक फोर के नाम से 1961 में अपना एक कॉमिक्स निकाला था इस मार्वल कॉमिक्स के अंतर्गत। इसके बाद इसमें अन्य कैरेक्टर भी शामिल हुए, जैसे आप सभी उससे परिचित होंगे, स्पाइडरमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, आपका आयरन मैन हो गया, द एवेंजर की जितनी भी सीरीज आती है वो सारे के सारे इनके माइंड की ही उपज है। तो याद रखिएगा स्टैनली कौन है, अमेरिकी मार्वल कॉमिक्स के ये लेखक भी थे और एडिटर चीफ भी थे। 1961 में इन्होंने मार्वल कॉमिक्स निकाला था। भारत में आपका गौरव चोपड़ा और शरद देवरंजन के साथ मिलकर के इन्होंने भारत में भी एक भारतीय सुपर हीरो के कैरेक्टर पे काम किया था। ये जो प्रोग्राम आता था चक्र नाम से आता था, चक्र जो कि एक एनिमेशन मूवी थी, कार्टून नेटवर्क में ये प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये जो स्टैनली है इनका जो आपका कॉमिक्स वाला या जो इनका एनिमेशन के ऊपर जो इनका कैरेक्टर का जो सीरीज आता था वो हमारे भारत में भी आता था चक्र नाम से। ठीक, नेक्स्ट है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्हें भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपनी 100 पैदल चलने वाले सैनिकों के भरोसे से जो आपके टैंक वाली जो पाकिस्तान की आर्मी थी उन्हें भारतीय सीमा से इन्होंने खदेड़ करके बाहर भगा दिया था। जो 1997-98 के आसपास बनी सनी देओल की जो बॉर्डर फिल्म है, वो बॉर्डर फिल्म में जो सनी देओल ने जिनकी भूमिका निभाई है वो यही है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्हें भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी देखते हैं। देखिए पहले नंबर पर है आपका शक्ति। भारत का पहला माइक्रोप्रोसेसर है, भारत में विकसित किया गया, डिजाइन किया गया तथा भारत में ही बूट किया गया। यह पहला भारत का माइक्रोप्रोसेसर है इसे डिजाइन किया गया है और इसे विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा। इस शक्ति को डेवलप किया गया है, क्या है ये, भारत का पहला माइक्रोप्रोसेसर है। नेक्स्ट आपका आईएनएस विराट जो कि कुछ समय पहले भारतीय नौसेना से आपका रिटायर हुआ है, सेवामुक्त हो चुका है ये। तो ये देखिए ये एक प्रकार का युद्धपोत है, एक कैरियर जहाज है। कोई भी कैरियर जहाज जब रिटायर होता है या सेवावृत्त होता है तो उसके पश्चात उसे डिसमेटल कर दिया जाता है, उसे कलपुर्जों को अलग अलग करके बेच दिया जाता है। लेकिन ये जो आईएनएस विराट है इसका इतिहास काफी गौरवशाली है, इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इसका डिसमेटल नहीं किया जाएगा, इसे एक तैरते हुए संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। PPP मॉडल के आधार पर निजी कंपनी के सहयोग से इसे एक तैरते हुए संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना के जितने भी गौरवशाली इतिहास है और इस आईएनएस विराट का जितना भी गौरवशाली इतिहास है उसका एक संग्रहालय होगा यह आईएनएस विराट। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका हाइसिस उपग्रह। हाइसिस उपग्रह जो कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया भारत का पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह है, जो कि पृथ्वी की सतह पर जाकर के पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करेगा। तो याद रखिएगा हाइसिस क्या है, हाइसिस इसरो द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी का एक अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस आई। हेपेटाइटिस आई देखिए, हेपेटाइटिस की चार कैटेगरी होती थी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, लेकिन हाल ही में ये हेपेटाइटिस आई एक नया वायरस ढूंढा गया है। ये जो हेपेटाइटिस है ये दूषित जल के सेवन से आपका व्यक्ति संक्रमित होता था, लेकिन ये जो हेपेटाइटिस पहली बार इसके जो लक्षण पाए गए हैं चूहों से होने वाला संक्रमण, यानी चूहों के काटने से ये हेपेटाइटिस आई का संक्रमण फैलता है। हाल ही में जापान के एक व्यक्ति इससे संक्रमित हुआ है। तो ये एक नया प्रकार का वायरस है हेपेटाइटिस आई, जो कि दूषित जल से ना होकर के ये चूहे के काटने से इसका संक्रमण फैलता है, इसका भी नाम याद रखिएगा। फिहोंग 98 या FH-98। FH-98 विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन है, विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन जो कि चीन के द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन, ड्रोन मतलब आप 3D मूवी में देखे होंगे जिसमें चार पंखे लगे होते जो उड़ता है, तो ऐसा एक्चुअली में जो भी रिमोट कंट्रोल से या बिना किसी व्यक्ति के बैठे जो भी आपका उड़ने वाली चीज़ें होती है उन्हें ड्रोन ही कहा जाता है। तो एक्चुअली में ये 3D टाइप का चार पंखे वाला नहीं है, ये एक दिखने के लिए एक प्लेन वाला है, लेकिन इसमें क्या है ये मानव रहित है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित ड्रोन कहाँ विकसित किया गया है, चीन में, जिसका नाम क्या है, फिहोंग 98। तितली चक्रवात। अभी कुछ समय पहले तितली चक्रवात आया था, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यह उत्पन्न हुआ था तथा भारत में आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तट सीमा पर यह टकराया था, जिसे हाल ही में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चक्रवात माना गया है। यानी इसके जैसा चक्रवात दूसरा कोई नहीं है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चक्रवात माना गया है। किसे? तितली चक्रवात को। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी आपका चक्रवात जो समुद्र से उत्पन्न होता है, जैसे ही वो किसी भी भूभाग पर प्रवेश करता है, यानी जमीन पर वो चक्रवात समुद्र से जमीन पर आता है, तो उसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन जो तितली चक्रवात जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था, जब वो भूमि पर आया तो उसकी विनाशकारी क्षमता कम नहीं हुई, उसकी स्पीड और भी बढ़ती गई, इसलिए इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चक्रवात माना गया है। ये जो तितली चक्रवात है, इस चक्रवात का नाम तितली किसने रखा? पाकिस्तान के द्वारा इसका नामकरण किया गया। याद रखिएगा इस चक्रवात का नामकरण तितली पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट UTS ऑन मोबाइल ऐप। UTS ऑन मोबाइल ऐप ये IRCTC की वेबसाइट द्वारा यह विकसित किया गया है। अनारक्षित टिकट बुकिंग, निर्बाध्य तौर पर जो अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए यह ऐप डेवलप किया गया है। जैसे कि आपको कोई भी रिजर्व टिकट कराना होता है तो आप IRCTC के वेबसाइट में जाकर करा सकते हैं, और भी कई सारे ऐप बने हुए हैं, लेकिन पहली बार जो आपका अनारक्षित टिकटों में क्या है, बहुत सारी लंबे कतारें लगे रहती है, तो इसे कम करने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा यह ऐप UTS ऑन मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसमें आप अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भूधार पोर्टल। भूधार पोर्टल यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश की कृषकों के अधिग्रहण में जो कृषि भूमि है उसके लिए जारी किया गया एक विशिष्ट पहचान कोड है। जैसे कि आपका भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड जारी किया गया है एक विशिष्ट पहचान कोड के साथ, तो वैसे ही आपके आंध्र प्रदेश के कृषकों के लिए, उनकी कृषि भूमि के लिए विशेष पहचान कोड के साथ एक भूधार पोर्टल और एक भूधार कोड जारी किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसे याद रखिएगा शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग है भूधार पोर्टल, जिसमें उनका जो कृषि भूमि है उनके लिए जो विशिष्ट कोड जारी किया गया है, उस कोड के आधार पर इस पोर्टल में वो कोड डालने पर उस भूमि से संबंधित जो विभिन्न अभिलेख है वो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर जारी हो जाएंगे। ठीक, तो इतना याद रखिएगा साइंस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है आपकी नियुक्तियाँ। नियुक्तियों में पहले याद रखिएगा सुनील अरोड़ा, जिन्हें हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। याद रखिएगा भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपके सुनील अरोड़ा, जो कि ओपी रावत की स्थान पर अपना यह पद संभालेंगे। ये तो था आपका डायरेक्ट करंट अफेयर का, लेकिन इसे जनरल स्टडी का क्या क्वेश्चन बनता है? देखिए ये जो आपके सुनील अरोड़ा है, यह भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 दो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 दो में
यह उल्लेखित है कि जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसके साथ साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324(2) में यह उल्लेखित है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक, इसके साथ साथ देखिए, जो आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें तीन आपके निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं। तो जब ओपी रावत आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो थे, तब आपके ये जो सुनील अरोड़ा है ये अन्य निर्वाचन आयुक्त तो थे। तो उसमें यह भी है आपके अनुच्छेद 324 में, जो भारत का वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त तो होगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होगा, उसे ही भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाया जाएगा। यानी ओपी रावत के रिटायर होने के बाद जो सबसे वरिष्ठतम कौन थे? सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा को भारत का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बनाया गया। इन्हें सेना मुक्त, सॉरी, इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए तो उतनी इनके कार्यकाल की अवधि रहेगी। इनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाएगा, महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया सेम जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के ऊपर जो प्रक्रिया चलाई जाती है महाभियोग की, वही प्रक्रिया भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सेना मुक्त करने के लिए, सॉरी, सेवा मुक्त करने के लिए चलाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट आपके अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना जिन्हें हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यूपीएससी मीन्स आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यूपीएससी, जो आप आईएएस आईपीएस के एग्जाम में जो अपेयर होते हैं तो उसके ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अरविंद सक्सेना। नेक्स्ट, नागेश्वर राव जिन्हें हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामकन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इनका नाम बस याद रखिए। कल्याण कृष्णमूर्ति जो हाल ही में आपके फ्लिपकार्ट के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपका बिन्नी बंसल के द्वारा, जो इसके को फाउंडर और इसके एक सह संस्थापक भी थे, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, जिसके पश्चात अब फ्लिपकार्ट के नए सीईओ बन के आए हैं आपके कल्याण कृष्णमूर्ति। पिछले साल ही आपके जो भारत की सबसे बड़ी आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, जो फ्लिपकार्ट थी, उसे अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के द्वारा उसका अधिग्रहण कर दिया गया था। तो उसके पश्चात जो आपकी ये अभी बिन्नी बंसल के द्वारा जो त्यागपत्र दिया गया है, उसके पश्चात अभी नए सीईओ बनकर के आए हैं आपके कल्याण कृष्णमूर्ति जी। कल्याण कृष्णमूर्ति जो कि फ्लिपकार्ट के अंतर्गत जो दो अधिकृत अन्य कंपनी थी, एक आपकी मिंत्रा और जेबांग, ये दो कंपनी जो कि ऑनलाइन आपके कपड़े बेचती है, इन दो कंपनी के भी ये सीईओ नियुक्त हुए हैं ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के सीईओ बनने के साथ साथ। ठीक, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसका इनका भी नाम याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, ये नीचे के थोड़े इंटरनेशनल करंट अफेयर है, इनका इन्हें थोड़ा देखिए लोटे शेरिंग जो कि भूटान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? लोटे शेरिंग। देखिए, भूटान भारत का पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ के जो भी आपके प्रमुख नियुक्त होते हैं तो उनका भी नाम याद रखा कीजिए। ठीक, तो लोटे शेरिंग कौन है? लोटे शेरिंग भूटान के नए प्रधानमंत्री है। किम जोंग यांग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग को आपके इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरपोल जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, तो इसके जो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग। ठीक, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में 4 नए जजों की नियुक्ति हुई है। आपके रंजन गोगोई के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा 4 नए जजों को शपथ दिलाया गया। लेकिन वो 4 नए जज कौन कौन है उनका नाम याद मत रखिएगा, लेकिन इन 4 नए जजों के आने के पश्चात हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो वर्तमान संख्या है वो हो गई है 28, इसे याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या कितनी है? 28। नेक्स्ट, किलोग्राम की नई परिभाषा। देखिए, अभी हाल ही में किलोग्राम का एक नया परिभाषा तय किया गया है। ये जो किलोग्राम का जो सब परिभाषा तय किया गया था, सबसे पहले 1889 को आपका किलोग्राम का परिभाषा तय किया गया था। देखिए, ये जो आपका सेवरेस शहर फ्रांस में मौजूद है, आपका IBWM मीन्स इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का मुख्यालय है आपका सेवरेस शहर। तो जितनी भी आप SI पद्धति के मात्रक पढ़ते हैं, यानी विद्युत धारा का मात्रक, आपका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो ये सारा तय किसके द्वारा किया गया था? IBM के द्वारा। ठीक, जितने भी मात्रक आप SI मात्रक पढ़ते हो, CGS मात्रक पढ़ते हो, तो ये सभी के सभी को
आपका तय कौन किया था? IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स के द्वारा, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेवरे शहर फ्रांस के, फ्रांस में। तो हाल ही में आपका किलोग्राम को नए परिभाषा तय किया गया है। किलोग्राम देखिए, एक किलोग्राम का जो मानक है उसका सबसे पहले मानक था आपका प्लेटिनम और इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम की एक मिश्र धातु है, उस मिश्र धातु के बेलन का जो वजन था उस वेट को एक मानक मान करके उसे ही एक किलोग्राम वेट माना गया था। लेकिन अभी 129 साल बाद, देखिए 1889 में यह डिसाइड किया गया था, लेकिन 129 साल बाद अभी इस प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु के बेलन में 50 माइक्रोन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा होता है, इस 50 माइक्रोन का इसमें कमी आया। एक किलोग्राम में 50 माइक्रोन की कमी आई 129 साल बाद। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि आगे भी यह और कम हो सकता है, इसीलिए इस प्लेटिनम और इरिडियम का जो मिश्र धातु का बेलन था उसे द्रव्यमान की परिभाषा से हटा दिया गया। अब नया परिभाषा तय किया गया है, या इसके लिए एक नया मानक तय किया गया है, विद्युत धारा। इसमें क्या होता है, एक होता है आपका क्रिबल तराजू के एक साइड आपका द्रव्यमान रखा होगा और दूसरे साइड आपका सबसे पहले रखा जाता था ये प्लेटिनम और इरिडियम धातु को। लेकिन अब इसी क्रिबल तराजू में एक साइड आपका द्रव्यमान रखा जाएगा और दूसरे साइड रहेगा आपका विद्युत चुंबक। उस विद्युत चुंबक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा और जितनी मात्रा की विद्युत धारा साइड में रखे द्रव्यमान को संतुलित कर लेगा तो उस मात्रा की विद्युत धारा को आपका किलोग्राम का नया मानक माना जाएगा, ठीक। तो इसे याद रखिएगा कि IBWM, इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का मुख्यालय कहाँ है? सेवरे शहर फ्रांस में है। इसका वर्तमान में मानक क्या है? आपका किलोग्राम का वर्तमान मानक विद्युत धारा, ठीक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन रैंकिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तैयार किया जाता है आपके विश्व बैंक के द्वारा, यह रैंकिंग तैयार की जाती है। किसी भी देश में किसी कंपनी को भूमि खरीदने, वहाँ पे अपना कंपनी स्टेबलाइज करने, वहाँ का सीमा शुल्क चुकाने, कर चुकाने, एक्साइज ड्यूटी चुकाने, इसमें कितनी आसानी उस कंपनी को वो सरकार प्रदान करती है उसके आधार पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक तैयार किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में अभी भारत है आपके 77वें स्थान पर, 77th पोजीशन पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसे याद रखिएगा, ये ईज ऑफ डूइंग जो इंडेक्स है इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2017 में भारत ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में आपका 100वें स्थान पे था। 23 अंकों की उछाल के साथ भारत वर्ष 2018 में विश्व बैंक की इस ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में भारत पहुंच गया है आपके 77वें पोजीशन पे, ठीक। फर्स्ट पोजीशन पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पे, फर्स्ट पोजीशन पर है आपका न्यूजीलैंड, सेकंड पे है सिंगापुर और थर्ड पोजीशन पर है आपका डेनमार्क। इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये तैयार किया जाता है आपके UNDP, यूएनओ की जो एक संगठन है, UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 तैयार किया गया। देखिए ये गरीबी सूचकांक का आधार आर्थिक नहीं है, गरीबी सूचकांक के लिए 3 स्तरों पर 10 मानक तय किए गए हैं। 10 मानक, जैसे 3 स्तर कौन कौन से, पोषण है, शिक्षा है और आपका रहन सहन का है। इसके अंतर्गत 10 संकेतक है, जैसे पोषण के अंतर्गत पोषण है, शिशु मृत्यु दर है, फिर उसका शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा, स्कूलों में उपस्थिति है, रहन सहन के अंतर्गत आपका आवास है, बिजली है, ईंधन है, शौचालय है, ऐसे कुल 10 मानक तय किए गए हैं। यानी इस बहुआयामी गरीबी का आधार केवल आर्थिक नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के पास या किसी देश की जनता के पास कितना पैसा है ये आधार नहीं है, उनके रहने का, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी शिक्षा, उनको मिलने वाला पोषण, ये सारे आधार के, ये इन सारे आधारों पर आपका यूएनडीपी ने ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक मींस मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स तैयार किया है। तो देखिए इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में विश्व का सबसे ज्यादा या सर्वाधिक बहुआयामी गरीब किस देश में निवास करते हैं, तो हमारे भारत में इस मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स या यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी निवास करते हैं। पूरी दुनिया के एक तिहाई गरीब, मतलब मल्टी डायमेंशनल गरीब या बहुआयामी गरीब हमारे भारत में निवास करते हैं। लगभग 36 करोड़ की बहुआयामी गरीब जनता हमारे भारत में निवास करती है, ठीक है। लेकिन इसका आधार आर्थिक नहीं है, इसे याद रखिएगा। मतलब एक व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो स्कूली शिक्षा होता है, उसे जो पोषण मिलता है, वो सारे को इनमें काउंट किया जाता है। अब देखिए, अब हम यदि भारत में देखें,
वैसे भारत है पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर है आपका नाइजीरिया और थर्ड पोजीशन पर है आपका इथोपिया, लेकिन इस बहुआयामी गरीबी रैंकिंग में हमारा भारत फर्स्ट पोजीशन पर है। अब यदि हम अपने भारत की बात करें तो भारत में अगर हम राज्यों को देखें तो राज्यों में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब कहाँ निवास करते हैं, बिहार में, सेकेंड नंबर पर झारखंड में, थर्ड नंबर पर उत्तर प्रदेश में और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश में। भारत में बिहार में सर्वाधिक आपके बहुआयामी गरीब निवास करते हैं, उसके बाद झारखंड में, थर्ड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश में और फोर्थ पोजीशन पर है आपका मध्य प्रदेश में। यदि हम जिलों की बात करें तो जिला में सर्वाधिक बहुआयामी गरीब जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जो कि बहुआयामी गरीबी के आधार पर सर्वाधिक गरीब जिला है, जिसमें अलीराजपुर जिले में रहने वाली कुल आबादी का 76% आबादी बहुआयामी गरीब के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे आंकड़े याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट है आपका बीबीसी 100 महानतम विदेशी फिल्म। बीबीसी कल्चर के द्वारा अभी हाल ही में 100 महानतम विदेशी फिल्मों की एक सूची जारी की, जिसमें 19 भाषाओं की, अलग अलग विदेशी भाषाओं की फिल्मों को शामिल किया गया था। ये ऐसी फिल्म है जो कि पिछले 5-6 दशकों पे ये फिल्में रिलीज हुई और इनका जो फिल्म है, ये फिल्म दुनिया में अपनी एक अलग संदेश देते हैं, अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं अपने उस फिल्मों के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से। तो ऐसे फिल्मों की सूची जारी की गई बीबीसी कल्चर के द्वारा, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर है आपका जापान का सेवन समुराई इस बीबीसी कल्चर के द्वारा जारी किए गए 100 महानतम विदेशी फिल्मों की सूची में टॉप पोजीशन पर है। इस 100 महानतम फिल्मों की सूची में भारत का एक ही फिल्म शामिल है जो कि 15वें पोजीशन पर है आपके पाथेर पांचाली, जो कि सत्यजीत रे के जो इसके निर्माता और निर्देशक है, 1955 में यह फिल्म आई थी। तो 1955 की जो भारतीय फिल्म है पाथेर पांचाली, सत्यजीत रे के द्वारा इसका निर्माण और निर्देशन किया गया था, वो इसमें 15वें पोजीशन पर है। तो ये पाथेर पांचाली और इसके निर्माता निर्देशक का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, बेस्ट ग्लोबल ब्रांड जिसकी हाल ही में एक सूची जारी की गई है। ये बेस्ट ग्लोबल ब्रांड ऐसे ब्रांड जिनके नाम पर ही दुनिया के लोग या विश्व के लोग विश्वास करते हैं, उनके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए केवल इन ब्रांड्स के नाम ही काफ़ी है। तो ऐसे में जो सबसे विश्वासजनीय जो आपके ब्रांड है, उसमें फर्स्ट पोजिशन पर है आपका एप्पल, जो आईफोन और मैकबुक जो निर्माता कंपनी है एप्पल, जिसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकती है कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति। उसका सेकेंड पोजिशन पर है आपका गूगल, थर्ड पोजीशन पर है आपका Amazon, फोर्थ पोजीशन पर है आपका माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद आपका फिफ्थ पोजीशन पर है कोका कोला। तो बेस्ट ग्लोबल ब्रांड के तौर पर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, एप्पल, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट सम्मेलन, देखिए सम्मेलनों की सूची याद रखिएगा, जगह के नाम स्पेशली इसमें याद रखिएगा। अभी 33वां आसियान सम्मेलन जिसका आयोजन हो रहा है आपके सिंगापुर में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। तो 33वां, देखिए इसका नंबर भी याद रखिएगा, 33वां आसियान सम्मेलन कहाँ आयोजन हो रहा है, सिंगापुर में। 13वां G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है आपके अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आपका 13वां G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। उसके बाद 49वां IFFI मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका फिल्म महोत्सव इंडिया के गोवा में आयोजित किया जा रहा है, ठीक। जिसमें फोकस देश है आपका इजराइल और फोकस राज्य है आपका झारखंड, यानी आधिकारिक तौर पर आपका इजराइल और झारखंड इस IFFI मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके डैन वॉलमैन, जो कि इजराइल के एक फिल्म निर्माता है, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पिछले साल प्रश्न पूछा था व्यापम ने, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल किसे मिला है, डैन वॉलमैन को, जो कि इजराइल के फिल्म निर्माता है। इसमें एक और अवार्ड प्रदान किया गया है, गोल्डन पीकॉक स्वर्ण मयूर अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है, ये आपकी यूक्रेन की एक आधिकारिक फिल्म है जिसका नाम है डॉनबास, यूक्रेन की फिल्म डॉनबास को आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन ये दो अवार्ड कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड थे, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए खेल,
विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता, विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हो रहा है आपके भारत में, सॉरी जिसका आयोजन हुआ है आपके भारत में, आयोजन हो चुका है, तो विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हुआ है हमारे भारत में, इस विश्व मुक्केबाजी महिला प्रतियोगिता में जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी आपकी मैरी कॉम। मैरी कॉम को देखिए भारत में आयोजन हो रहा है तो जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी भारत के होंगे, तो भारत के तरफ से विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता की ब्रांड एम्बेसडर थी आपकी मैरी कॉम, और इस विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का खिताब जीता किन्होंने जीता, मैरी कॉम ने ही जीता। लगभग 48 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने विश्व महिला मुक्केबाज प्रतियोगिता का पदक जीता। इस विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीतने वाली 6 बार यानी सर्वाधिक बार जीतने वाली ये एक महिला बनकर प्रथम भारतीय महिला बनकर के ये सामने आई है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये लगभग 35 वर्षीय है, 35 वर्षीय होने के बावजूद भी इन्होंने 22 वर्षीय यूक्रेन की हना अखोवा ऐसा कुछ नाम है, हना ओखावा यूक्रेन की एक फाइटर जो मुक्केबाज है उन्होंने हरा दिया। तो देखिए इनमें काफ़ी एज डिफरेंस था, मैरी कॉम जो कि 35 साल की थी उन्होंने एक 22 साल की फाइटर को हराया, तो काफ़ी चर्चा में थी ये भी, तो याद रखिएगा इन्होंने ये खिताब कितने बार 6 बार जीता है। ठीक, नेक्स्ट विश्व महिला टी ट्वेंटी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हुआ है आपका वेस्टइंडीज़ में आपका विश्व महिला टी ट्वेंटी कप का आयोजन हुआ जिसमें विजेता रही आपकी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम जो कि इसमें विजेता रही, इससे पहले भी 4 बार ये आपका विश्व महिला टी ट्वेंटी कप जीत चुकी है, 2010, 2012, 2014 और उसके बाद अभी 2018 में इन्होंने ये कप जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने किन्हें हराया पूछा जाए तो इंग्लैंड को हराया था, आयोजन कहाँ हुआ, वेस्टइंडीज़ में। ठीक, हॉकी विश्व कप, अभी हाल ही में हॉकी विश्व कप जिसका आयोजन हो रहा है आपके भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आपका विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हो रहा है, कहाँ, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक, तो इतने सारे चीज़ याद रखिए। देखिए करंट अफेयर्स जो मैं शेयर करता हूँ फेसबुक और टेलीग्राम पेज में वो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हाइलाइटेड है जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे इस पे वीडियो बनाने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन क्या है हमारा एक सीरीज चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर वाला, एक प्लेलिस्ट बना है तथा एक क्विक रिविजन हो जाए इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो थोड़ा फास्ट होगा लेकिन एक स्टोरी की तरीके से इसे सुनिए, और जो भी मैं मटेरियल शेयर कर रहा हूँ आपके लिए तो स्पेशली मार्किंग करके मैं उसमें जो भी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ उसे थोड़ा पढ़ा कीजिए। क्या है करंट अफेयर्स ही आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सेफ जोन में या आपको क्वालिफाई मार्किंग की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।